सरकारी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सरकारी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम पविता रॉय है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। जानकारी मिली है कि बागडोगरा के रंगा पानी इलाके में एक सरकारी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र का आरोपी पवित्र रॉय संचालन करता था। आरोपी की वहां लोगों के जमा किए गए पैसों की रसीदें ना देकर पवित्र रॉय उन्हें गलत सलत समझाकर ग्राहकों को सफेद कागज पर लिखकर सौंप देता था। यहां तक कि फिक्स डिपॉजिट के मामले में भी आरोपी नकली कागजात बनाकर ग्राहकों को सौंप देता था। इसके बाद ग्राहक सेवा केंद्र कुछ दिनों से बंद था, इसलिए ग्राहकों को संदेह हुआ। ग्राहकों को मुख्य शाखा में जाने के बाद पता चला कि पवित्र रॉय कहीं भी भाग गया है। इसके बाद ग्राहकों ने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। आखिरकार बागडोगरा थाने की पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी पवित्र रॉय को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।